सो यारो कैसे हो, वापस आ चुका हूँ अपने एक्साइटिंग वीडियो को लेकर। और गाइज आज की वीडियो बताऊंगा ऐसे कमाल की कैमरे ऐप के बारे में जो काफ़ी यूनिक ऐप है। और गाइज अगर आप इस ऐप की मदद से अपनी फोटो को खींचोगे और साथ साथ फोटो को एडिट करोगे इस ऐप की मदद से, तो यहाँ पे DSLR भी फेल होने वाला है, क्योंकि ये ऐप काफ़ी औसम ऐप है यार, जिससे आप अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी फ़ोटो को एकदम यूनिक लुक दे सकते हो। सो गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। सो या गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में जो घंटी का निशान देखा उसको भी दबा दीजिए, हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले बनेगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो या गाइस, सबसे पहले करने का सिंपली आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ से सिंपली आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है टेलीपोर्ट ब्लर। सिंपली आपको सर्च करना है टेलीपोर्ट ब्लर, सिंपली सर्च को टेलीपोर्ट ब्लर और आपके सामने टेलीपोर्ट ब्लर की एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वह सिंपली इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो आपको जाना वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिंपली इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस उसके बाद आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। जैसे एप्लीकेशन को ओपन के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा इस ऐप का, और इस ऐप का कुछ सिंपल सा इंटरफेस है जो काफ़ी ईजी है और जिससे आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको करने का यहाँ पे आपको ए बीच में ज़्यादा कैमरे का ऑप्शन, इससे डायरेक्टली आप अपने फोटो को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपनी फोटो को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी फोटो, और उसके बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हो उसको सिंपली आपको करना है गैलरी पे क्लिक करना है और अपनी एक फोटो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैं एक फोटो सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं कुछ करना क्या है, इसको यहाँ पे ऊपर जो टिक आएगा ना इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, यानी आपकी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करेगा। तो गाइस यहाँ पे इस ऐड को कट करने के बाद फ्री थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लीजिए। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो फोटो का जो बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, मैं इस पूरा करता हूँ। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आप फोटो का जो बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे बढ़ाता हूँ इस तरीके से, तो गाइस ये देख लीजिए फोटो का जो बैकग्राउंड है धीरे धीरे ब्लर हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, जिससे आपकी फोटो एक DSLR की तरह यहाँ पर लगने वाले। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरह से अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। गाइस अगर आपका फोटो का बैकग्राउंड ब्लर होगा तो गाइस आपकी फोटो कमाल की दिखने वाली है। तो गाइस इस ऐप को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए अपनी फोटो को एडिट करने के लिए, और इस ऐप की मदद से अपनी फोटो को कैप्चर भी कर सकते हो, अपनी फोटो को एडिट भी कर सकते हो। और अगर आप अपनी फोटो को ब्लर करने के बाद इस तरह से बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद आपको सेव करने के सिंपली आपको इस आइकन पर क्लिक करना डाउनलोड वाले पे, और यहाँ से सिंपली आप अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकते हो। गाइस ठीक है, तो गाइस सेव हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। ठीक है, DSLR की तरह। सो गाइस आई होप का वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो को लाइक करो, वीडियो शेयर करो, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर डेली से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आओगे आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।